नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करेंगे न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल्स के ऊपर, क्या इसके यूजेस यानी बेनिफिट्स हैं, क्या इसके अंदर साइड इफेक्ट्स हैं और क्या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल्स एक प्रकार के मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट होते हैं, जिसे बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है अगर आपके शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, यानी विटामिंस और मिनरल्स की अगर कमी हो जाती है तो इसे दिया जाता है। यानी ये डिफरेंट कंडीशन में पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर द्वारा, जब अगर आपको बॉडी में थकावट महसूस हो रही हो, यानी बॉडी फटीग यानी बॉडी वीकनेस में, यानी अगर आपको कमज़ोरी महसूस हो रही हो, या आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर समस्या आ रही हो, या इवन अगर मेंटेनेंस के लिए भी दिया जा सकता है टीथ या फिर बोन्स में, या आपको ये एजिंग जो एक तरह से पेशेंट अपनी स्किन का काफ़ी ध्यान रखते हैं उसमें भी डिले एजिंग प्रोसेस में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, स्किन ग्लोइंग में भी इसे दिया जा सकता है। तो बेसिकली इसके भरपूर उपयोग होते हैं जो कि इसे डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस अनुसार देता है। इसके अलावा आगे अगर हम जानें कि क्या इसके अंदर की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर जिनसेंग डाई एक्सट्रैक्ट होता है जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे विटामिन D3 है, जिसे हमको कैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मीकोकोबालमिन है, फोलिक एसिड, नियासिनेमाइड है, तो ये इसके अंदर बेसिक की इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसके अलावा आगे अगर हम जाने क्या इसके अंदर विटामिन्स हो सकते हैं, तो विटामिन B3 है जिसे हम नियासिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B6 है पाइरोडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B9 है उसे फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, विटामिन B12 है उसे साइनोकोबालमिन के नाम से जानते हैं, और विटामिन D3 है जिसे हम कोकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, चाहे वो कॉपर हो, मैग्नीज हो, पोटेशियम हो, मीन्स सभी इंपॉर्टेंट की इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसीलिए इस एक तरह से इस कैप्सूल्स को बहुत ही उपयोगिता साबित करती हैं सभी चीज़ें। आगे अगर हम जाने कि जिनसिंग इसके अंदर मेन की इंग्रेडिएंट है, उसे किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बेसिकली इसे बॉडी में एक तरह से ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। अगर इम्यूनिटी आपकी बूस्ट रहेगी तो आपकी बॉडी एक हेल्दी एनवायरनमेंट बीमारियों से लड़ने की उसे शक्ति मिलेगी। इसके अलावा ये आपकी बॉडी को एनर्जाइज रखने में हेल्प करेगी, तो आप कोई भी काम अच्छे से कर पाओगे, और इम्प्रूव करता है ये ब्लड के सर्कुलेशन को। अगर खून का संचार आपके शरीर में सही है तो किसी भी अन्य प्रकार की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। ये एक तरह से पोषण एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, मींस जो डेड टिश्यू होते हैं या डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। इवन ये रिवाइटलाइज करता है, अगर आपकी बॉडी रिकवर कर रही हो किसी भी इलनेस की वजह से, तो उसमें आपको एक तरह से ये हेल्प कर सकता है। किसी भी बीमारी की वजह से कमज़ोरी आ गई हो तो उसमें भी दिया जा सकता है। या इवन आप देखेंगे आपकी बॉडी में रिड्यूस कर देता है इन्फ्लामेशन को, अगर इन्फ्लामेशन की समस्या होती है उसमें भी हेल्प कर देगा, या इवन अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की समस्या रही हो तो उसमें भी आपको हेल्प कर सकता है। इवन ये स्ट्रेंथन करता है आपके नर्वस सिस्टम को, वो बोन्स हो या टीथ हो उसमें भी मेंटेनेंस में हेल्प कर देगा। इवन आगे अगर हम जाने कि मुख्य तरह से, ये तो जिनसिंग के एक तरह से उपयोग हमने बताए, अब बेनिफिट्स की अगर बात करें, ओवरऑल अगर आप कैप्सूल्स लेते हैं तो आपको एक तो थकावट कम महसूस होगी, यानी बॉडी फटीग से छुटकारा दे देगा, बॉडी वीकनेस है उससे भी, या आपकी जो स्किन ग्लोइंग कैपेसिटी होती है उसको भी एक तरह से क्रिएट कर देता है, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी लाइक कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, या एनीमिया लाइक खून की जो कमी हो जाती है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे अगर हम जाने कि क्या इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये वेरी कर सकते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें नौजिया है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, या डिजीनेस पेशेंट को फील हो सकता है, या इवन इचिंग भी महसूस हो सकती है। तो ये वेरी कर सकते हैं, अगर आप कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स देखें इमिडिएटली आप डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। इसके अलावा आगे अगर हम जाने कि क्या इसके प्रिकॉशंस हो सकते हैं, प्रिकॉशंस को समझने से पहले किसी भी दवाई का या कैप्सूल का इस्तेमाल आपको बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं करना है। अगर पेशेंट को हिस्ट्री रही हो किसी भी प्रकार की किडनी डिसीज़ की या लीवर डिसीज़ की, तो कृपा करके आप इसे अवॉइड करें। और प्रेग्नेंट लेडी बिना, या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं वो भी अगर इसे अवॉइड करेंगी तो बहुत अच्छा है। और कि अगर आप एलर्जिक हैं इसके कंटेंट्स के तो भी आप इसे अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और सबसे बेसिक बात, अगर हम इसके डोसेज की भी बात करें तो अगर आप एक कैप्सूल पर डे के हिसाब से लें 24 घंटे के गैप में तो बहुत अच्छा रहेगा। बट आपको खास ध्यान रखना है, बिना डॉक्टर के एडवाइस के ना लें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो।